हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द नोटशेस एक्सप्रेस। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीस्टार्ट ऐप जो बार बार हम करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करें। तो आज मैं बताऊंगा ऐसा पैकेज दैट इज कॉल्ड नोडमोन। तो नोडमोन क्या करता है, आपके जितने भी चेंजेस होते हैं सर्वर पर वो वॉच करता है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है। तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो शुरू करते हैं वीडियो को। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे नोडमोन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगा क्लियर, ठीक है। तो npm nodemon, ठीक है। तो ये पैकेज क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हमें कॉन्फ़िगर करना है स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। मैं दूसरा वे यूज़ नहीं करूँगा, मैं स्क्रिप्ट्स में जाके कॉन्फ़िगर करूँगा इसे। तो मेरे पास पैकेट और जेसन है, यहाँ पे मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाऊँगा जो मैंने लेकर यहाँ पे लिखी हुई है डेव की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे या तो आप npm start लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोडमोन इंडेक्स डॉट जे एस है मेरी फाइल का नाम, तो मैं यहाँ पे करूँगा इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, npm रन स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। npm रन करूंगा स्टार्ट, तो ये वाली मेरी, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। तो मैं करता हूँ सर्वर को रिस्टार्ट npm starts के साथ, ठीक है। देख सकते हो नोडमोन सेटअप हो गया। अब मैं कोई भी चेंजेस करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। तो जैसे कि मैं गया सर्वर अपने यहाँ पे index.js पे, मैंने गेट के बदले यहाँ पे क्या कर लिया, टेस्ट फंक्शन लिख दिया, सेव किया। तो आपने देख लिया सर्वर ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोबारा से रीस्टार्टिंग ड्यू टू द चेंजेस स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इसमें चेंज हुआ, इसने रीस्टार्ट कर दिया। तो जब जब फाइलों में चेंज होता जाएगा ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। बार बार मुझे रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपने कन्फिगर करना है नोडमोन। अगर आई गेस विंडोज में फॉरएवर होता है, तो मैंने तो विंडोज इतना यूज़ नहीं किया है, तो मैं तो लिनक्स पे ही काम करता हूँ। तो इस तरीके से क्या करना है, आपने नोडमोन को कन्फिगर करना है। Any doubt, any query in that, let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. Have a great day.